सब बढ़िया, आप कैसे हैं? आज कुछ खास लाइटिंग वाइटिंग सेटअप हो रखा है जी। हमने सोचा कि चलो आज 15 टॉपर्स की थोड़ी तैयारी की जाए। तो कुछ सोचा नहीं है। तो बेसिकली कल एक हमारा एक स्टूडेंट ही है रुद्र करके, और वो भाई उसकी मम्मी बताई कि सर ये गाना गा रहा था ऐसा सा, और उसने गाया भाई सब मेरे को मतलब गूज़बम्स आ गए। तो अब वो रुद्र आ गए, तो मैं सोचा भाई चलो उससे बिफोर उसको रूम में लेने से पहले भाई एक बार थोड़ा अरेंजमेंट कर लो, क्योंकि बेसिकली मैं कीबोर्ड यूज़ करता हूँ एक सामने को क्यू देने के लिए, एंड उसके स्की में बनाएंगे। तो देखते हैं आ गया वो बाहर है, दिखाते हैं फिर कौन है हमारे सिंगर। हेलो, हाय, मेरा नाम रुद्रा सरदार है। अरे को बोलो मैं इंट्रोड्यूस कैसे करूं? ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा सिंगर है 15th अगस्त के लिए। कौन सा सॉन्ग का नाम रिवील नहीं करना है? नहीं, वो सॉन्ग हम रिवील नहीं करेंगे थोड़ा। सो बेसिकली नया सॉन्ग ही बना रहे हैं फिर से, तो उसके लिए एज अ वीडियोग्राफर या एज अ लेमन पर्सन क्या बेसिक क्वेश्चंस आता है जब सॉन्ग बनता है? सो साउंड इंजीनियर बेसिकली फर्स्ट एक क्या रहता है हमेशा, अब फॉर अब जब एक नया सॉन्ग बनाना है तो जी हाँ। अभी देखो कैसा है कि जो फर्स्ट अप्रोच मेरा ये होता है कि मैं आर्टिस्ट अगर फिजिबल है मेरे पास रहता है तो मैं उसको बुला के उसका एक रफ टेक ले लूँगा, एंड जब मैं टेक ले रहा हूँ तो मैं उसका की स्केल एंड उसका रिदम जो उसका टेम्पो है स्पीड है वो सब पता कर लेता हूँ। इससे क्या होता है कि लाइक दोनों को कम्फर्ट होता है कि लाइक मुझे उसके अकॉर्डिंगली मैं सोलोस प्रोग्राम करो, लीड्स हो गए, मेलेडीज हो गए, एक्स वाई जेड प्लेयरिंग स्टफ कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट उस सिंगर को भी होता है कि वो अपने रेंज में गा सकता है। अगर मैं मेरे हिसाब से बना दूँ तो उसके रेंज के बाहर चला जाए, उसके टेम्पो में बनाऊंगा वो कंफर्टेबल रहेगा मेरी बीट्स या फिर मेरा रिदम सबसे। सो बेसिकली एक कॉमन इंसान को समझने के लिए बताया जाए तो एक टेस्ट लिया जाता है बेसिकली सिंगर की आवाज़ किस तरीके से आ रही है, एंड बेसिकली स्केल्स बोला जाता है म्यूजिक लैंग्वेज में, तो उसकी स्केल में है वगैरह वो सब टेस्ट किया जाता है, एंड उसके बाद आगे का प्रोसीजर पड़ता है जो बैकग्राउंड स्कोर वगैरह ऐड करना है उसमें या बैकग्राउंड म्यूजिक क्या। तो बेसिकली स्टार्ट आप वहीं से करते हैं, फर्स्ट स्टेप की रिकॉर्ड करते हैं, एंड अभी वो आ गया है रुद्र, आप मिल भी चुके हैं, तो विदाउट अ ड्यू लेट्स हॉप इनटू द रिकॉर्डिंग रूम एंड ग्रैब सम डेमोस। 11 रुद्र आपका एज कितना? 11 तो आप सिंगिंग कभी स्टार्ट किए या फिर कैसा है? मेरा भी 4 इयर्स होने का है, मैं शास्त्रीय संगीत सीखता हूँ। हाँ, तो शास्त्रीय संगीत के 4 इयर्स हुए मेरे। तो शास्त्रीय तो को टोटल 5 इयर्स हुए गाना चालू करते। तो आपको गाने का मतलब कौन मोटिवेट किया, आपका खुद का था कि घर वालों ने बोला गाना है, कि आपको खुद से पसंद है गाना गाना? मेरे को खुद से पहले पसंद भी था, मेरे पापा ने बोला। पापा ने बोला तो डैडी पापा ने क्लास लगाया। आपका की ये जो गाना है ये आपका अभी गाना चल रहा है सी शार्प के की में। मालूम है सी शार्प के की में गाना चल रहा है, आपको मालूम है? किसने बताया आपको? खुद को पता था की मैं गिन के आया था। कैसे गिन के आया? तानपुरा में। वाह, तानपुरा में गिन के आया था, वेरी नाइस। देखो दैट्स हाउ यू डू योर होमवर्क टू ऑल द आर्टिस्ट जो अपना की पता नहीं कर पाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। देखो ये बच्चा है बट इसको पता है कैसे करना होता है। फाइनली वी आर डन विद द रिकॉर्डिंग, एंड काफ़ी अच्छा गाया, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को एक्चुअली, मतलब काफ़ी कितने साल का बच्चा, आई गेस 10-12 साल का होगा, एंड लाइक उसने काफ़ी नेक्स्ट लेवल का गाया। तो अभी इसके आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा, आई मीन इसके आगे क्या अप्रोच रहेगा एंड कैसे आगे बढ़ेंगे म्यूजिक वाइज? अभी जैसा कि लाइक उसको तो पता था कि उसने उसका की क्या है, एंड यूजुअली सबसे बड़ा हम लोग को ट्रबल उधर ही आता है, मतलब मुझे या फिर यूजुअली जितने भी प्रोड्यूसर हो कि भाई गाने का की क्या रखें या फिर सिंगर का स्केल क्या है, की क्या है। तो उसने मेरा काम मतलब थोड़ा अच्छा कर दिया क्योंकि उसको की पता है, उसने पता है सी शार्प के की में। तो फर्स्ट थिंग इसलिए कि मैं मेरा पूरा एंटायर प्रोजेक्ट रखूँगा वो सी शार्प के की में रखूँगा, एंड विथ सम लाइक अगर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तो बीच में चेंज कर सकता हूँ। एंड उसके बाद जो दूसरा अप्रोच रहेगा कि टेम्पो, जैसा अभी टेम्पो मैंने चेक किया, टेम्पो चेक करने के 2-3 तरीके मैं आपको फॉर द वीडियो में बताऊँगा, बट मुझे टेम्पो जो आया इट्स लाइक समथिंग अराउंड 75 बिकॉज हमने इसको थोड़ा स्लो रखने का ट्राई किया, तो 75 का जो टेम्पो है वो मैंने अप्रोच रखा हुआ है। सो बेसिकली जिसको टेम्पो क्या होता है पता नहीं हो, बेसिकली एक गाने का स्पीड होता है आई गेस। एग्जैक्टली द टेम्पो इज द स्पीड ऑफ द सॉन्ग, कि क्या स्पीड में आपका सॉन्ग चलेगा। अब इसमें दूसरा जो अप्रोच है हमारा, जैसे कि अभी मैं मेरी जो गिटारिस्ट हैं प्लस असिस्टेंट कंपोजर है जो असिस्ट करने वाली है पूरे इसमें
मेरे साथ, उनको मैं इन्वॉल्व करूँगा कि भाई गिटार सोलो, क्योंकि वो खुद कंपोज करेंगे। तो ये हो गया एक कंपोजर्स टेक। अब देखते हैं कि एक गिटारिस्ट का क्या टेक होगा इस पे। तो लेट्स कॉल दिशा। दिशा या तो मैम, अभी कैसा है कि आपको मैं वोकल सुनाता हूँ, देखिए कैसा उसने गाया। बिकॉज ऑफ व्हाट आई वांट कि हम इसमें इन बिटवीन एक सोलो पीस डालें, या फिर पूरा थ्रू आउट सॉन्ग कुछ हार्पिज। अभी फिलहाल एज सच अप्रोच तो कुछ है नहीं। यूजुअली कैसा होता है कि जब आप सोलो कोई भी सॉन्ग के लिए क्रिएट करते हो तो बैकिंग ट्रैक एंड अदर रिदम्स का ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज कैसा हो जाता है कि जब आप सोलो डिज़ाइन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर सॉन्ग है उसका म्यूज़िक कैसा चल रहा है एंड उसका लिरिक, उसका रिदम कैसे जा रहा है। अगर सपोज ये सॉन्ग के ऊपर ड्रम है तो वो ड्रम के ऊपर सोलो कैसा जाएगा, तो वो पूरा म्यूज़िक क्रिएट होने के बाद में देन हम सोच सकते हैं कि ओके इसके ऊपर सोलो हम कैसा अप्रोच दे सकते हैं। तो आई थिंक इसके लिए पहले कंपोजर का काम होना कंप्लीट होना जरूरी है। यस पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो भी चलेगा, बट एक बेसिक अप्रोच मिल जाता है कि ओके इसमें ड्रम्स रहने वाला है, देन इसमें किस तरह आगे इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे एंड क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, तो उसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अकोस्टिक गिटार चाहिए या इलेक्ट्रिक चाहिए या कोई अदर गिटार चाहिए ऐसा। यहाँ पे अब गिटारिस्ट का एक अप्रोच तो पता चल गया है, तो अब एक कंपोजर का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसके बाद वो जानते हैं। तो यार जैसा कि अभी दिशा ने बोला कि ऑब्वियसली बात है मुझे उनको कुछ देना होगा, जैसे मे बी एक ट्रैक रेडी करके देना होगा एंड मैं ऑब्वियसली अभी उनके साथ एक वोकल ट्रैक शेयर करूँगा एंड प्लस मेरे कुछ लेयर्स लगे होंगे कॉर्ड्स एंड ऑल, जो कि मैं आपको सेशन में हॉप इन करके बताऊँगा कैसे कर रहा हूँ मैं, एंड एक टेम्पो उनको दूंगा ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली उसके साथ वर्कआउट कर सके। दिस इज डे टू ऑफ रिकॉर्डिंग एंड बैकग्राउंड स्कोर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है आई गेस। एंड हमारे साथ आज कोई स्पेशल है एंड एज यू गाइस कैन सी तबला रिकॉर्ड होने वाला है आज। सो आपका क्या टेक रहेगा ये म्यूजिक के लिए, मतलब आप तबला प्ले कर रहे हो तो आप क्या दिमाग में रख के मतलब कैसे प्ले करने वाले, क्या कुछ रखा है दिमाग में स्पेशल? सही बोलूं तो दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो। जस्ट गो विद द फ्लो। ओके हाँ, मेरे को बस कल ही अप्रोच किया इन लोगों ने, मुझे बोला कि एक सॉन्ग रिकॉर्ड करना है, बोला ठीक है कर लेते हैं। ओके नर्वस हूँ थोड़ा। तो अभी बेसिकली इट्स बीन अ डे एंड अ हाफ आई गेस, तो कुछ रिदम रेडी किया है, मैं चाह के भी आपको नहीं सुना नहीं सकता क्योंकि रिवील नहीं करना सॉन्ग्स, बट ओवरऑल द प्रोग्रेस इज गेटिंग गुड एंड राहुल जब जैम अलॉन्ग करता तबला ट्यून करते हुए सेटअप करते हुए तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, मतलब आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वी आर एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। प्लस राहुल का जो इनटेक आ रहा है लाइक एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि जो माइंड में था उससे बेटर मुझे इनपुट मिल रहा है, तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। Twinkle is pretty shy, so let's see how it goes.